एवरीवन, आप सभी कैसे हो? थोड़ा मेरा ये कैमरा थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, थोड़ा साफ कर लूं। चलो अभी सही है, थोड़ी धूल सी लग गई थी। तो बड़े दिन हो गए, आप लोग पूछ रहे थे रोहित भाई क्या चल रहा है आजकल। तो यार एक कहाँ अपडेट भी देनी थी। देखो मैं कागज वगैरह इतने सारे रखे बैठा हूँ अपने पास, और किस चीज के कागज हैं, क्या मैं कर रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको थोड़ी अपडेट दे दूं। और ये वीडियो सभी के लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है, सभी के लिए जरूरी है। तो दोस्तों आपको पता होगा ये PACL, ये आपको पता होगा ये PACL, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये PACL में आपने इंश्योरेंस कराया होगा या बहुत सारे लोगों ने इंश्योरेंस कराया होगा, लेकिन यह कंपनी भाग गई जिसे बहुत सारे लोग पल्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये मेनली कंपनी भाग गई थी और इस पर केस चलता रहा हाई कोर्ट के थ्रू। हाई कोर्ट में केस चलता रहा, फाइनली केस जीत गए और कोर्ट ने ये बोल दिया कि ये जो कंपनी है PACL वो सभी के पैसे वापस करेगी। तो भाई हमारे घर वालों ने भी कराया, मेरी मम्मी के नाम से था इंश्योरेंस और हमारे समथिंग 75,000 रुपये के समथिंग इसमें जमा हो गए थे। अब कंपनी भाग गई तो हमारे पैसे भी डूब गए, लेकिन अब हमें खबर पता चली, मेरे को तो बहुत पहले पता चल गई थी। और मैं घर पे तो रहता नहीं, मैं बाहर रहता हूँ, मैं राजस्थान में रहता हूँ, मेरा घर और मेरी फैमिली यूपी में रहती है। तो मैंने राजस्थान से ही उन्हें फ़ोन कर दिया था गाँव में कि आप ऐसा करो अपना पैन कार्ड बनवा लो, क्योंकि मम्मी का पैन कार्ड नहीं था। तो उसके बाद मैं आके आपका फॉर्म भर दूंगा जिससे पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो पैन कार्ड और कैंसिल चेक के लिए अप्लाई कर दिया, तो पैन कार्ड वगैरह आ गया। तो फिर मैंने सोचा कि आज अप्लाई कर देता हूँ। तो आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पैसे फंसे होंगे इस चक्कर में। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रोसेस है। मेनली मैंने ज़्यादातर प्रोसेस कर ही दिया है, फॉर्म रेडी है। तो मैं आपको बता दूँ क्या प्रोसेस है कि जैसे कि इसमें सबसे पहले क्या है कि जैसे कि आपने आप पर एक तो ये सर्टिफिकेट होगा PACL का सर्टिफिकेट, और आप पर होंगी देखो ऐसी रसीद जो आपने पेमेंट किया है, तो ये रसीद आपके पास होंगी। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पे जाना है, PACL SBI PACL refund.co.in ये नाम है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो उस पर जाने के बाद आपको अलग से ऑप्शन दिखेगा रजिस्ट्रेशन का, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपसे एक नंबर पूछेगा जो होगा आपका, देखो यहाँ पर लिखा रहता है, मैं आपको दिखाऊं, रजिस्ट्रेशन नंबर PACL रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपको यहाँ पर दिखेगा। देखो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, ये आपको दिख रहा है, ये मेरी उंगली रखी है, ये वाली, ये उंगली जो जैसे उंगली से मैं पकड़ा हूँ, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है आपको, और रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद आपको कैप्चा कोड देना है, मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर कोई भी दे सकते हो, मोबाइल पर OTP जाएगा, OTP को डाल के वेरीफाई करा के रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको बेसिक डिटेल डालनी है। बेसिक डिटेल में क्या डालनी है कि जिसने ये इंश्योरेंस लिया उसका नाम क्या है, इसमें जो इसमें नाम दिया है, और पैन कार्ड में क्या नाम है वो डालना है, पैन कार्ड नंबर डालना है, और उसके बाद कितनी रिसिप्ट है, रिसिप्ट मतलब कितनी आपने ये पेमेंट की है, पेमेंट करने के बाद कितनी स्लिप आपको मिल गई है, तो वो स्लिप डालनी है कि 3 मिली है कि 4 मिली है वो डालनी है, और टोटल कितना क्लेम करना चाह रहे हो कंपनी से। क्योंकि देखो आपकी 12,500 की 4 भरी गई हैं, तो 12 48 और 2,000 50,000 रुपये आपके जमा हो गए। तो आप मिनिमम 50,000 का तो कर ही सकते हो, क्योंकि इतने तो आपके जमा हो गए। अगर आप ज्यादा चाहो क्लेम करना कि भाई इतने टाइम तक लॉस भी हुआ है मेरे को, तो उसका भी भरपाई आप मांग सकते हो, लेकिन आपको जितनी करनी है वो क्लेम अमाउंट डालना है। उसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल डालनी है और अपनी बैंक के जो फर्स्ट पेज है उसका फोटो अपलोड करना होगा स्कैन करके। ये करने के बाद आपको अपने ये डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने होंगे, इनका PACL का सर्टिफिकेट वगैरह, वो सारे डॉक्यूमेंट, ये रसीद के फोटो कॉपी, ये सारे सबमिट कर दोगे, पैन कार्ड वगैरह, और उसके बाद सबमिट हो जाएंगे। तो होगा क्या कि जब भी हाईकोर्ट ये मतलब लिस्ट आ जाएगी हाई कोर्ट के पास, और वो अलाउ कर देगा कि आप पेमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आ जाएंगे PACL वाले। तो देखो सारे मैं डॉक्यूमेंट ये रखे हैं और मैं फॉर्म ही भर रहा था, फॉर्म रेडी हो चुका है, रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इस चीज की इंफॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि आपके भी पैसे फंस रहे होंगे और हमारे भी फंस रहे हैं, तो सभी का फायदा होना चाहिए इस चीज से। तो मेनली अब मैं गांव में हूं, तो आपको पता है यार गांव में हूं, तो
वीडियो हाथ में ही पकड़ के बना रहा हूँ। देखो ये मैं हाथ में कैमरे को पकड़ा हूँ, फोन को पकड़ा हूँ अपने को, और मैं स्टैंड वगैरह लेके नहीं आया था क्योंकि यार 8 घंटे का रास्ता होता है, 8 घंटे में थक जाते हैं, और सामान लेके आऊंगा तो और ज्यादा परेशान हो जाऊंगा। तो मैं कुछ भी सामान लेके नहीं आया, ना माइक लगाए, ऐसी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो कुछ दिन मतलब होली तक ऐसी आपको वीडियो मिलेंगी, तो आप कोई नहीं, आप थोड़े से दिन तक ऐसे ही वीडियो देखिए, और ऐसे ब्लॉग लगातार आते रहेंगे, कुछ ना कुछ मैं नया नया आपको दिखाता चलूंगा। तो ये मैं बैठा हूँ अपने सोफे पर। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जिन्होंने नहीं डाला वो भर दीजिए उस फॉर्म को, पैसे मिल जाएंगे आपको। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी लोगों तक तो शेयर कर दीजिए, जो जो लोग हैं जिनके पैसे फंसे हैं उन तक। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।